वेलकम टू सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि जो इंटरव्यू चल रहा है इस समय फिलहाल सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का, जो कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में हुआ है इंटरव्यू, तो उसका आज मैं पार्ट टू जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, उसे मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि देश में मौद्रिक गतिविधियों का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है। तो देश में मौद्रिक गतिविधियों का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि आंसर जो होगा भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक गतिविधियों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इसके बाद देखिए कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल की स्थापना कब हुई है। तो भेल की स्थापना जो हुई है 1962 ईस्वी में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके बाद देखिए कि पूछा गया है वोलेटाइल शेयर किसे कहते हैं। तो वोलेटाइल शेयर किसे कहते हैं, जिन शेयरों की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं उन्हें वोलेटाइल शेयर कहते हैं। और एक चीज़ ये देख लीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दिया है, जिन लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए इंटरव्यू वाले वीडियो का, तो वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है और अपना नाम और पता के साथ में मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF दे सकता हूँ। तो इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए और भी यह है कि इसके कीमत में वोलेटाइल शेयर में ही है, ये इसके कीमत में परिवर्तन का फार्मूला ये है। तो इसका फार्मूला देखते हैं क्या है, परिवर्तनशीलता बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य अपॉन न्यूनतम मूल्य। तो ये परिवर्तनशीलता मतलब वोलेटाइल शेयर का फार्मूला ये हो जाएगा, इस फार्मूले से निकाला जाएगा। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, तो डिजिटल है और एनालॉग है और हाइब्रिड है, ये तीनों कंप्यूटर के प्रकार हैं। इसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस के नाम पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो जिन क्वेश्चनों को मैं नहीं लिया हूँ तो वो सब समझिए कि पिछला जो मैं वीडियो डाला हूँ जूनियर असिस्टेंट वाला इंटरव्यू जितने भी हुए थे उन सब के मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप एक बार कम से कम ज़रूर सारे वीडियो को देखें, जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोहराए गए हैं और दोहराए भी जाएंगे। तो ये देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो 49 का वर्गमूल बताओ। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7 होता है। आगे चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है पूछा गया। यहाँ पर देखिए पूछा गया है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम बताओ। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। और देखिए उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम पूछा गया है, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है रक्षा सचिव कौन है। तो रक्षा सचिव के बारे में बताना है कि वो कौन है, तो रक्षा सचिव संजय मित्रा हैं। और यहाँ पर देखिए कि IBRD के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो IBRD क्या होता है, तो IBRD के अध्यक्ष जो हैं वो जिम योंग किम है। IBRD मतलब होता है विश्व बैंक, शॉर्ट नेम है, और इसका पूरा नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और इस तरह से ये क्वेश्चन आप देखिए, इसके बाद जो पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ IB एंड टेल अबाउट, मतलब कि IB का पूरा नाम बताना है कि IB क्या होता है और इसके बारे में भी बताना है कि क्या होता है। तो इसे चलिए देख लेते हैं। और यहाँ देखिए लिखा है इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है IB का फुल फॉर्म, और IB के बारे में भी बताना है कि क्या होता है IB। तो IB इज इंडियाज इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इट वाज रिकास्ट एज द सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 1947 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इस तरह से आप लोग देखिए यहाँ पर
एक अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में जो पूछा गया वो क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और जिसके लिए कुछ पैड करना होगा आप लोगों को, और मैं जितने भी पीडीएफ हैं वो सब आपको दे दिया करूँगा। और इसके अलावा आप लोग अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।